I'm second. अरे तुम्हारे सामने जो पेपर है जो कॉपी है उसको दिखा दो मुझे। अरे नो मैम। तो फिर आप तो वही जैसे दिखाई दे रहे ना, आप वही खाते जो आपके सामने दिखाई देते। अरे बताओ सुनो, आई एम टेकन दिस करेक्ट नेम देशिता, वेर आर यू, विच इज करेक्ट? फर्स्ट वन सेकेंड वन इमीडिएटली आप पूछो, मैक्सिमम लोग फर्स्ट वन को टिक मार देते हैं। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके सामने जितने चीज दिखाए जा रहे हैं तो अभी भी बताओ विच इज करेक्ट। अरे विच इज करेक्ट? फर्स्ट वन आयरन स्टील ऑल्सो फर्स्ट वन सिद्धांत सिद्धांत शर्मा टेल मी अभी आ गए ना लाइन। आप जो देखते हो वो नहीं खाते हो, जो खाते हो उसको देखते हो। सेम पार्टनर में ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन इज करेक्ट। डीप वाटर रन लो वाटर रन कौन सा? ये दोनों गलत था। मैं मंदे आदमी का तो दोनों गलत हुआ। नहीं नहीं वी आर वी चाइल्ड डोंट टेक एक्सेप्शनल केसेस ना, ब्लाइंड फिजिकल हैंडीकैप को हम तो जनरल मार्क्स को पढ़ाते हैं ना मेनली। ठीक है यस मैम। लेकिन वो सेंस कर लेते हैं खाने से, उनके तो आई से ज्यादा पावर है। यू हैव नेवर विजिटेड आई थिंक ब्लाइंड होटल, क्योंकि खाना बनाने से सर्व करने से प्लेट धोने तक एवरीथिंग इज डन इन डार्क बाय अ ब्लाइंड पर्सन। चाहिए अगर विजिटेड ब्लाइंड होटल नो वन इज देयर एट बैंगलोर, इंडिया में एक ही अभी तक। एस टेल मी व्हिच इज करेक्ट, डीप वाटर रन स्लो सो वाटर रन डीपर? अभी तक काम से बड़ा कम आ रहे हैं, ओनली फास्ट not second first okay, what is the reason, what is the reason I'm telling? So sea mein hota hai, aap dekho ki jo upar wala layer hai na wahan se itne bade bade pahad jaise aapko ye crest and drop tide aata hai, lekin niche wala sea pura calm hota hai, extreme calm hota hai, calm sea. Iska matlab jo deep water hota hai na wo bahut hi slow movement hota hai और वो रेस्ट में होते हैं, और जो स्लो वाटर होते हैं वो डीप में चला जाते हैं, जो मूवमेंट करने वाले वो आगे आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे करें डीप वाटर रन स्लो, स्लो वाटर रन डीप, और इसे नहीं देते हमें एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ ज्यादा होता है तो वेलोसिटी लेस होता है, यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है क्योंकि साइड में आपको पहाड़ हो जाता है, नीचे वाला एरिया हमेशा बड़ा होता है। कहीं भी देखो नीचे वाला एरिया बड़ा होता है, ऊपर वाला लेयर्स। इसी का और एक मीनिंग है कि जिनके पास अगर डीप नॉलेज होता है ना वो चाहे जितने बड़े मीटिंग होते हैं साइलेंट बनते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होता है वो सबसे ज्यादा बात करते हैं। ये रियल लाइफ में आप जब अच्छे अच्छे जगह में सर्विस करोगे तो आप देखोगे बहुत ही कम बात करने वाले सुंदर पिछाई, एटलीस्ट वन ऑन वन नारायण मूर्ति हमारे जो इंडिया का सबसे बेस्ट लोग माना जाते हैं। ठीक है बहुत ही कम एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन उनके सामने जो लोग बैठते हैं कम लोग नॉलेज होता है, बहुत ही बातें करते हैं। नॉट ए गुड हैबिट फॉर नॉलेज, जिस नॉलेज है तो आप मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा कि व्हाट इज पर्सन से टेलिंग, इट इज नॉट जस्टिफाइड नॉट गुड बट वी हैव टू लिसन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको भी लग रहा होगा कि आप भी देखे होंगे रियल लाइफ में क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही बातें करते हैं और कुछ दिन में इंटर करके आंसर देते हैं, लेकिन उनको एक भी क्वेश्चन अच्छे से पूछो ट्रिक्सन उसका कॉज क्या है उसका सिर्फ ट्रिक्सन में रुक जाऊंगे वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाएंगे, मतलब दे आप स्टडीड ओनली द अपर सर्फेस। ठीक है तो हमेशा डाउन को जाओ, इतना अपर सर्फेस पे रखने ये नहीं करो। ओके नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द मेन वन, मेन वन दैट इज आवर बर्नौली थ्योरम का स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं आपको। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? एनीवन पोटेंशियल एनर्जी
No answer. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अगर मैं ले लूं तो मेरे पास बीएच आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट अगर ले लूं तो क्या आ जाएगा? एच ओनली. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर ले लूं तो क्या आ जाएगा? एमडीएच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? सिंपली वॉल्यूम में लिखो, मास में बोलो, रो जी है. फिर आवेन फोर फॉर्मूला ना, फर्स्ट वाला को ओमिट करके फिर आवेन थ्री फॉर्मूला ना फॉर पोटेंशियल एनर्जी. इन द सेम वे इफ आई राइट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होता है? नो आंसर. हाफ जी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. मानसो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. No. B square by 2G. Kinetic energy per unit volume. Rho G is half rho V square. Half rho V square. ठीक है. और एक hard energy लाएंगे. समझे क्या हम बनोगे फिर हम बनाएंगे. Hard energy is also जो pressure energy. Anyone who knows what is the formula of pressure energy? और वो pressure energy ये क्या चीज़? Pressure energy एक टर्म है. आप कभी तक potential energy, kinetic energy पढ़े थे? तो I have done it month for this pressure energy. What can be the formula of pressure energy? आपको एक equation होता है PV is equal to NRT. What have read it in chemistry? Yes or no? इसमें से अगर मैं पीवी का डायमेंशन पूछूं तो क्या होगा? डोंट टेक इट पीवी चिन्ह बट द डायमेंशन ऑफ पीवी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्किंग क्वेश्चन दैट बट द डायमेंशन ऑफ पीवी इज एनीवन हु कैन टेल मी टू लेंथ नो नो फोर्स ऑफ यूनिट ऑफ पीवी व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर. पीवी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिखाएगा हम? नंबर ऑफ टर्न. मैं न्यूटन इनटू मीटर होगा. पीवी का यूनिट है जूल. पीवी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टू माइनस टू वर्ग टन. पीवी सेम आज एनर्जी और वर्ग टन. तो ये जो पीवी टर्म है दैट इज अ प्रेशर है. PV is equal to NRT में तो बच्चों को डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है. दे इमीडिएटली आस्क व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी. व्हेन इट इज नोन इट इसका जरूरत ही नहीं. PV देख के आपको एनर्जी का टर्म आना चाहिए. ठीक है. PV हम फाइंड आउट करेंगे. प्रेशर एनर्जी एक क्या थी? सपोज यू आर हैविंग ए वाटर कंटेनर विथ एन ओपनिंग हियर. This is the water. Water comes out easily here. Water का pressure यहाँ ज्यादा है कि आपका इतना height का pressure उसके ऊपर है तो इसलिए water easily इसके अंदर आ गया. इसके अंदर suppose you are having a piston. आपके पास ये piston दिया हुआ है. ये piston को आप force apply करना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए. इधर applying the force let this piston to check time delta t. Delta t time में piston आपको को आगे देगा जस्ट लाइक टू स्टॉप वाटर. देन व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन हियर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स है. ठीक है. तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है इसको मैंने प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करूं? फोर्स इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर इनटू एरिया. सपोज इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है. ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन. प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स. हियर इट इज ए इनटू एक्स इज द वॉल्यूम. दिस टर्म इज कमिंग प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीवी. दिस इज अ टर्म नेम्ड एज अ प्रेशर एनर्जी. ओके. प्रेशर एनर्जी के टर्म पी इनटू वी है. नाउ यू आर हैविंग प्रेशर एनर्जी
यूनिट होगी, प्रेशर एनर्जी और यूनिट मास, जो हम निकाल रहे हैं वो आगे बनने थ्योरम में यूज के लिए कर रहे हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए? पीजी बाय मास क्या हो जाएगा? पी बाय रो। पी बाय रो, दिस वन विल बी योर पी बाय रो। पी फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी बाय वेट, पी बाय रो जी, पी बाय रो जी। एंड प्रेशर एनर्जी बाय वॉल्यूम इज पी। ओके, हाउ मेनी एनर्जी वी हैव टेकन? पी। किसको डाउट है? मन से एनी डाउट हियर? P by rho. No, ma'am. These are the terms of pressure energy for unit mass and pressure energy for unit volume. हम अभी three different types of energy लिए हैं और उनका तीन अलग अलग mathematical terms निकाले। To study Bernoulli's theorem. Bernoulli is the name of the scientist. Bernoulli's theorem. Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem, दोनों इसमें कवर हो जाएगा। Bernoulli's principle है, Bernoulli's theorem है। बोला जाता है दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन इसके ऊपर गए। ठीक है, ओके, इसके ऊपर बेस करके मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दे दी। और मैंने फिर वो सपोज आपको गर्मी के दिन में घर में एसी नहीं चल रहा, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा, कहीं एसी नहीं चल रहा, ऑल एसी चल रहा, टेल मी हाउ कैन यू अरेंज विंड फॉर यू? एयर एंड विंड के बीच में डिफरेंस था आपको पता है या नहीं? एयर एंड विंड, ये सर बेसिक क्लियर करो। एयर एंड विंड, व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसे नहीं हुआ, विंड इज मूविंग एयर। वेरी गुड, एयर विथ काइनेटिक एनर्जी इज वन। अगर आपको दिया जाता है एयर विथ काइनेटिक एनर्जी, देन दैट इज योर विंड, मूविंग एयर इज वन। तो आपको मूविंग एयर कैसे मिले? सारे एक्टिविटी बंद है। एयर सिर्फ प्रैक्टिकली होती है, इन आवर एरिया कुछ में काम नहीं करते। तो जनरल बॉयज क्या होते हैं, वो अपने बाइक लेके बहुत हाई स्पीड में चले जाते हैं, वो बोलते हैं बड़ा अच्छा हवा लगे। तो कहाँ से आते हैं? बोलते बाइक और साइकिलिंग करो, हवा आपको काफी। एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस आपको आता है। मैम एयर रिलेटिव है हमारे लिए, हमारे लिए रिलेटिव को मूव कर रहा है। अच्छा जी, सपोज मैंने ये बॉस है, ये बॉस में लोग साइड सीट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, मुझे साइड वाला सीट चाहिए। एरोप्लेन में साइड सीट नहीं लेते हवा खाने के लिए, लेकिन बोलते साइड सीट में हवा खाने के लिए लेते हैं। बच्चों को पूछा जाता है कि ये साइड सीट में हवा कैसे आता है, देखते हो जैसे आपका ये बोट जाता है ना, जैसे ये बोट आगे आगे जाता है तो यहाँ से पानी जो है ना ऐसे आ जाता है। स्टीम बोट भी देखे हो, स्टीम बोट आप देखे हो डिस्कवरी चैनल में, बीएमसी नेशनल ज्योग्राफिक में, जब ये स्टीम बोट आगे जाता है तो ये पानी ऐसे ऐसे चला जाता है। वो बोलते हैं भाई सेम मेथड वाटर एयर ऑल्सो बोला, ये पानी में जो काट दिया, जो एयर को काट दिया, दिस एयर मूव्स लाइक दिस, बट ये एयर मूव्स लाइक दिस इज द अंडरस्टूड नो डाउट, बट हाउ द एयर गोज लाइक दिस? ये पर्सन जो यहाँ बैठा है बर्थ में साइड वाले सीट में, वो अपने हेड को बाहर नहीं करता, बर्थ से बाहर नहीं करता हवा खाने के लिए। एयर गोज लाइक दिस, एयर को ऐसा मूवमेंट कौन सा फोर्स दे दिया? एनी आइडिया? किसके पास इसका प्रॉपर आंसर है? Are you get air when in a moving bus by taking the side seat, जिसके लिए हमेशा लड़ाई होता है साइड सीट में मैं बैठूं, क्योंकि अच्छा हवा लगता है, वो हवा पार्टी के अंदर कैसे गए? ओके, I'm giving the other example. Wait, wait. आपके पास you must have done experiment in chemistry lab. Bunsen burner में कोई experiment कभी किया हो? Bunsen burner देखो, Bunsen burner chemistry lab में कभी देखे हो? इसमें अगर इसमें आपका एक होल होता है, ये जो होल है जब गैस इससे चलता है तो ये होल में गैस बाहर क्यों नहीं आ जाता? अगर यहाँ एयर इससे अंदर चला गया तो यहाँ गैस बाहर क्यों नहीं आता? अगर कोई बुनसन बर्नर नहीं देखा तो अपने घर में बैठे हो, घर के किचन में जाओ,
गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा को थोड़ा सा ऊपर उठा के देखो, गैस चूल्हा में जो कनेक्टिंग पाइप है इसमें इतना बड़ा होल है और यहाँ जाके आपको चूल्हा है, हमें वहां सिलेट इसमें इतने बड़े होल है, उसके आगे आपका यहाँ बर्नर है, वही भी गैस गैस लीक इसमें से क्यों नहीं होता है, गैस यहाँ जाके वो निकलता है लेकिन नीचे का में क्यों नहीं लीक होता है, और वाइट दिस इज प्रोवाइडेड यानी हम तीनों एग्जाम्पल लगभग सेम है, लेकिन ये वो अनदर एग्जाम्पल जो आप कार्बोरेटर है थोड़ा सा हायर एग्जाम्पल होगी, कार्बोरेटर जिसमें आप पेट्रोल डालते हो उसमें भी ऐसे एक होल होते हैं, गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हो वो पाइप में भी एक जगह होल होता है, वन इज इट प्रोवाइडेड प्रेशर एक ही उस प्रेशर से आता है जिससे वो नहीं जाता निकलता, बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर में जाता है तो ये इस साइड नहीं निकलती, यहाँ जाके निकलता है, आप यही बोलते हैं ये प्रेशराइज्ड एयर होते हैं, प्रेशराइज्ड गैसेस होता है दे मूव्स है, तो इसमें से वो तो वाई इज इट प्रोवाइडेड, अगर मैं इसको नहीं लूंगी तो यहाँ गैस जलेगा, अगर मैं यहाँ ये होल नहीं लूंगी, हाँ बता, अगर मैं बीच में होल नहीं लूंगी गैस तो आगे के गैस आपको बंद करे रिमूव फ्लेम, सोचो सोचो, अरे घर के सामने जाके किचन में देख के आ जाओ, गैस चूल्हा के नीचे पाइप में देखो कितना बड़े बड़े होल्स होते हैं, उसमें कैसे मैनेज हो जाता है, लीकेज क्यों नहीं होता, और कुछ है तो लीकेज नहीं होता फिर वो लिया क्यों है, साइंटिफिकली तो देखो घर में सारे चीज आपका फिजिक्स है, पूरा घर वेंटिलेशन यहाँ क्या होता है, सांस लेना है उसको क्या करो ना, हो रहा है आंसर आपका मेन नहीं सही है लेकिन नॉट फॉर द वर्ड वेंटिलेशन इज नॉट यूज दिया, व्हाट यू गिव दिस आंसर वेंटिला मैम प्रेशर डिफरेंस लोगों का बहुत जरूरत पड़ता है तो वो रास्ते में किसी को नहीं देखते, बोला जाता है इट्स आर हाईली प्रेशराइज्ड फॉर सम केस मोस्टली फॉर वॉशरूम, तो यू नेवर सी हु इज स्टैंडिंग देयर, यू जस्ट गो ऑन शट द डोर, यहाँ देखा नहीं लेकिन मेरे क्वेश्चन में यहाँ लिया क्यों है, ऐसा नहीं है तो फिजिक्स का प्रभाव होता है, दिमाग में गैस आना चाहिए, न्यू स्टूडेंट यू शुड कम ऑफ ऑल्सो पानी आ रहे जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, अरे सिद्धार्थ जैन सिद्धार्थ जैन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, गौतम कक्कर आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे नहीं दे रहे हो आजकल, और एक स्टूडेंट आंसर दे रहा था इसमें जैन वेरी जैन, जो बच्चे क्लास में हर क्वेश्चन का चाहे इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं सही देते हैं गलत देते हैं नहीं दिखा जाता है दे पार्टिसिपेट नहीं देते, उनके लिए प्रैक्टिकल मार्क्स अश्योर हो जाते हैं, दे आर गुड स्टूडेंट, यस एनीवन कनेक्ट टेल मी होल को बंद करके देखो गैस नहीं जलेगा, आपका गैस जो बंसन बर्नर में एक होल होता है, गैस चूल्हा के नीचे एक बड़ा सा होल होता है, उसमें जो वाइड होल इज गिवन मैम ऑक्सीजन की वजह से, वेरी गुड ऑक्सीजन आपका प्रॉपर क्वांटिटी विल बी एडेड अदरवाइज इट विल नॉट बर्न, पेट्रोल वेपर प्लस ऑक्सीजन देन इट विल डू द स्पार्किंग टू रन योर व्हीकल, यहाँ गैस में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा या एडिशन नहीं होगा तो ये जो होता है ये मैकेनिकल एग्जैक्ट परफेक्ट अमाउंट का होल होता है, यानी कोई भी आया नया कस्टमर नया डायमीटर का बना दिया नया जो सेलर है तो गैस चला नहीं होगा, प्रॉपर
डायमीटर का होता है कि इतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको चाहिए तब द लिटिल बॉल मूव. गुड आंसर गिवन बाय वंशिका कि ऑक्सीजन ऐड करने के लिए होता है. लेकिन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकता है उसमें गैस क्यों नहीं लीक होता है? यस वी हैव गॉट द आंसर. आई थिंक वाज गिवन मदर मित्रा ने कि वो हाईली प्रेशराइज्ड होता है तो वो साइड में निकल नहीं सकता. ओके दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हम कम आंसर चाहिए अनकाउंटेबल क्वेश्चंस आर देयर. साइड में निकल नहीं सकता तो फिर अंदर कैसे आ सकती है? हाँ, वही चीज हम देखेंगे ना. साइड में अगर निकल नहीं सकता तो आप खुद ही बोल सकते हो साइड में निकल नहीं सकते तो अंदर कैसे आ सकते हो? नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया था. अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया. वही चीज यहाँ समझेंगे ठीक है. वो जो बीच में अंदर जा सकता है बाहर नहीं, बाहर से अंदर जा रहे हैं अंदर से बाहर क्यों नहीं आते? इसी तरह मिसमैचिंग स्टेज ना उसको क्लियर करने के लिए स्टडी मोनोलिथ थे. आज पर मोनोलिथ थे ना वेयर हैविंग एगेन ए क्यूब. कोई भी डिजाइनर क्यूब आप बना सकते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम मच फॉर द डिजाइनर क्यूब. इट इज हाइट एच वन में है, दिस वन इज हाइट एच टू में है. इसमें भी आप एक लिक्विड कॉलम ले रहे हैं. एगेन आई एम टेलिंग लिक्विड कॉलम एरिया दोनों का लगभग सेम रखो. ये आपका दोनों ये ट्यूब और यहाँ भी आप एरिया सेम रखो. जो ट्यूब बना के ये आपका एरिया ए टू है. डिस्टेंस एक्स है. टाइम आपका डेल्टा टी है. यहाँ आपका एक्स है डेल्टा टी टाइम है. ये आपका एरिया ए वन है. वेलोसिटी जी वन है. यहाँ आपको अभी अभी अब समझाए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को. मास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द वाटर इन इंस्टेंट. यहाँ से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे. मास वॉल्यूम और डेंसिटी रिमेनिंग इंस्टेंट. नाइन ट्वेल्व इफ दिस इज एन आइडियल फ्लूइड. मोस्टली दिस इज एन आइडियल फ्लूइड. इफ दिस इज एन आइडियल फ्लूइड तो ये लोअर फ्लूइड है. दिस वन इज हायर फ्लूइड. व्हाई द फ्लूइड इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन. आप इसके लिए क्या आंसर दोगे? व्हाई इट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन. क्योंकि जनरल टेंडेंसी क्या है? लिक्विड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. इट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन बिकॉज देयर इज अ चेंज इन देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर. प्रेशर तो लेट इट बी प्रेशर एनर्जी. आपके पास आ गया प्रेशर एनर्जी डिफरेंस. प्रेशर एनर्जी डिफरेंस helps the liquid and helps the fluid. So, suppose इस area के नाम आने इसको पूरा मैंने A दिया और इसको पूरा मैंने B दिया. ऐसे भी pressure energy difference helps the fluid to move from A to B जाने के लिए pressure energy. Then what is the pressure energy difference? यहाँ मेरा P1 V1 है. इस साइड में P2 V2 है. यहाँ के प्रेशर P1 है. यहाँ के प्रेशर P2 है. यहाँ के वॉल्यूम वॉल्यूम इज V1. आप इसको छोटा भी ले लो. लेट दिस वन इज योर वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए V2 ले लो. वॉल्यूम के लिए कैपिटल V ले लो. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू. अगर मैं प्रेशर एनर्जी डिफरेंस ले तो वो किससे डिफरेंस का इक्विवेलेंट होगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है. इन जगह में काइनेटिक एनर्जी और इन जगह में काइनेटिक एनर्जी वो भी डिफरेंस है. दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज योर मोनोलिथियम. अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में देखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एच वन और ये हो जाएगा प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. क्योंकि यहाँ एम जी एच टू में ज्यादा है एम जी एच टू. मैम मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गया? नहीं मैम होने वाली है 4 मिनट हो जाए. 11:51.
ओके हो जाएगा फोर एडजस्टमेंट, इसमें से आपको ये इक्वेशन को सेपरेट कर दो, फिर रिविजन में भी करा लेंगे। हुआ यहाँ माइनस है एन बी एच ऑन प्लस हाफ एन बी ऑन स्क्वायर इक्विवेलेंट को आप देखो ए टू बी टू आएगा राइट में प्लस एन बी एच टू प्लस हाफ एन बी टू स्क्वायर। इसकी मीनिंग है कोई भी पॉइंट में स्पेशल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवीजन पहले में करा चुके हैं डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय वेट में क्या हो जाएगा, क्या लिखा है जी बाय वेट एमजी कोई तो बोलो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में इक्वेशन क्या हो जाएगा जल्दी हो जाएगा प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। राइट हैंड का राइट हैंड साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा, वेट में क्या हो जाएगा पी बाई रो मास में आ गया, वेट में क्या हो जाएगा बोलिए पी बाई रो जी, पी बाई रो जी वही तो बोलो एम जी एच एच प्लस जी स्क्वायर बाई टू जी इक्वल एंड टू पॉइंट जी थ्री आर योर बनाने की थी फर्स्ट वन दिस वन सेकेंड वन थर्ड वन फोर्थ वन ये बनाने की थी सन ठीक है Hard one is more important for the term made here. This one is important for all numerical. This one is Bernoulli's theorem made. Okay, just go through the book. We'll discuss it again. Okay, you can join us in the class. Okay, is it okay? I will download the presentation. No problem. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.